नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है LIC की कन्यादान पॉलिसी तथा सुकन्या समृद्धि योजना। क्या है दोनों में अंतर, हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में आपको बताएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। सुकन्या समृद्धि योजना, यह योजना भारत सरकार की है। भारत सरकार ने इसे सरकारी बैंकों तथा प्राइवेट बैंक तथा डाकखाने के माध्यम से उपलब्ध कराया है। LIC की कन्यादान पॉलिसी LIC की ही एक पॉलिसी योजना है जो केवल LIC द्वारा ही उपलब्ध है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में पिता की मृत्यु हो जाने पर किस्तों की भरपाई करनी पड़ेगी, मगर LIC की कन्यादान पॉलिसी में अगर पिताजी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो किस्तें बंद कर दी जाएंगी। नंबर दो है, सुकन्या समृद्धि योजना में बीमे की सुरक्षा नहीं उपलब्ध है। LIC की कन्यादान पॉलिसी में बीमे की सुरक्षा उपलब्ध है और LIC की कन्यादान पॉलिसी में बीमा होने के दौरान में पॉलिसी होने के दौरान में 1 लाख से लेकर 20 लाख तक गारंटेड पहले दिन से ही उसके बीमा का सुरक्षा उपलब्ध हो जाएगा। मेच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना में मेच्योरिटी जो है टैक्स फ्री नहीं है, मगर LIC की कन्यादान पॉलिसी में मेच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी, इसमें TDS नहीं कटा जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक आपको जिंदा रहना जरूरी है, मगर LIC की कन्यादान पॉलिसी में किसी कारण अगर पिताजी की डेथ हो जाती है तो आपके ना रहने पर आपका होगा सपना पूरा, यानी बच्चे की आपकी बिटिया की शादी अवश्य होगी। नया तथ्य, ब्याज दर कम नहीं होनी चाहिए। मेच्योरिटी का जो भी अमाउंट है उसमें अगर सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज कम होता है तो मेच्योरिटी आपका डिफरेंस आ जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना जिस समय प्रारंभ की गई थी उस समय सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर 9.1 था और उसके बाद में काफ़ी डिफरेंस हुआ है और ब्याज दर घट करके 7.1 रह गया, तो जो मेच्योरिटी का अमाउंट है वो आपको घट के ही मिलेगा। मगर LIC की कन्यादान पॉलिसी में ऐसा नहीं है, यहाँ ब्याज का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नया तथ्य, यहाँ पर आपको सारी सुविधाएँ शाखा में जाकर के ही मिलेंगी, यानी घर पर रहकर आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी सुकन्या समृद्धि योजना में, मगर LIC की कन्यादान पॉलिसी में सारी सेवाएँ आपको घर बैठे ही मिलेंगी। आपकी किस्त से लेकर के सारे कार्य जो है आपको घर बैठे ही मिलेंगे। नया तथ्य, सुकन्या समृद्धि योजना में पिता के न रहने पर पढ़ाई लिखाई लालन पालन पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ सेफ्टी या सुरक्षा के लिए इस योजना में कोई भी तथ्य या कोई भी नियम नहीं बनाया गया है, मगर LIC की कन्यादान पॉलिसी में सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बनाया गया है। यहाँ पर पिता के न रहने पर 11 लाख रुपये तुरंत मिलेंगे, अगर एक्सीडेंटल है तो 10 लाख रुपये और मिलेंगे तथा 2 लाख रुपये पढ़ाई लिखाई तथा पालन पोषण के लिए प्रतिवर्ष 21 वर्ष तक जब तक बिटिया की शादी की उम्र नहीं हो जाती है, और शादी के लिए 20 लाख रुपये उसको मिलेगा। इस बीच की पिताजी के ना रहने पर किस्तें भी बंद कर दी जाएंगी। दोनों योजनाओं की अगर हम तुलना करें LIC की कन्यादान पॉलिसी तथा सुकन्या समृद्धि योजना, तो आपको मेरी राय में LIC की कन्यादान पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर आपको इस विषय में कोई और विशेष जानकारी चाहिए तो कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर डाल दें, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।